The Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में जब से सैलाब की तबाहकारियां सामने आई हैं और बारिशों के बारिश जिस अंदाज से 70% पाकिस्तान में बारिश का पानी बरसाती रेलों की सूरत में नज़र आता है, तो वहां पे ये मुश्किलात थमी नहीं। और जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे कि जो बरसात का पानी है, बरसाती रेलों का जो पानी है, वो महज इन इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, इसके असरात पाकिस्तान के दीगर इलाकों और शहरों में भी देखे जाएंगे। यही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है और बारिशों के पानी के बायस अब कराची समेत पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में डेंगू के काफ़ी सारे केसेस सामने आ रहे हैं। याद रहे कि 2017 में जो डेंगू की वबा का आगाज़ हुआ और उसमें एक बड़ा नंबर देखा गया, गलबन 23 से 24 हज़ार केसेस 2017 में रिपोर्ट हुआ और इसी तरीके के आदाद शुमार 2019 में भी देखे गए। एक बार फिर से ये ट्रेंड फिर से नज़र आ रहा है और ये जो ट्रेंड है डेंगू केसेस का यकीनी तौर पर खौफनाक होता जा रहा है। कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो तमाम तर शहरों में डेंगू के पेशेंट्स इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। खास तौर पे डेंगू वायरस के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि किसी किस्म का कोई स्प्रे हुकूमती सतह पे नहीं किया गया, जिसके बाइस जो डेंगू मच्छर की अफजाइश का अमल तेजी से जारी है। डेंगू के हवाले से क्या कुछ इकदाम होने चाहिए, इसकी अफजाइश कैसे हो रही है और इसके हवाले से इंसानों को एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, इस हवाले से हमें ज्वाइन करिए जनाब डॉक्टर सदफ़ साहिबा। इनसे ज़रा जानते हैं कि जो डेंगू का मर्ज़ है, अचानक से इतना सर क्यों उठाने लगा है। सदफ़, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि गालिबन 5 दिनों में 350 से ज्यादा डेंगू के केसेस सामने आए हैं और इस वक्त अगर जो टेस्ट रिपोर्टिंग का रेशो देखें तो 30 से 35% तक डेंगू के केसेस मुस्बत आ रहे हैं, ये एक बड़ा नंबर नजर आ रहा है। इसके पीछे ये वजूहात क्या है, क्योंकि एकदम नहीं हुआ, अगस्त में हम देख रहे थे यही नंबर 20% तक था, फिर बढ़ते बढ़ते आज 35 से 40% तक ये नंबर टच कर रहा है। बिल्कुल, देखें डेंगू ने जो है ना एक समझने बहुत एक इमरजेंसी की सी कैफियत अब हो चुकी है डेंगू के हवाले से, कि गुज़िश्ता दिनों हमारे पास कुछ डेथ भी जो है बीजे सामने आई है इसमें। लेकिन जहां तक हमारी बात है ना कि हम डेंगू के हवाले से किस तरीके से हमारा जो है लाहेमाल होता है, हम सिर्फ बस जो है नेटिंग के हवाले से या हम जो इसके जो बिल्कुल समझ लें कि जो बिल्कुल फौरी करने वाली जो है चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ उन्हीं पर जो है बेसिक इकदाम कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी जो बाकायदा एक इसकी सर्वेलियंस के हवाले से कि किस तरीके से हमें जो है पेस्ट कंट्रोल के हवाले से जो है एक बेसिकली काम करना है कि इसके जो उसकी लार्वा सेटिंग है कि जो है किस तरीके से इसके हमें जो लार्वे हैं इनको जो है मेच्योर होने से पहले पहले ही हमें इसको किल करना, या फिर इसके अलावा जो इसके जो है जो इसके बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, कि क्योंकि हम सबको पता है कि जो है स्पेशली पाकिस्तान में किन किन महीनों में जो है हमारे पास डेंगू की अफजाई ज़्यादा होती है, कि अगस्त से लेकर हमारे पास जो है अक्टूबर नवंबर तक का मौसम ऐसा होता है कि जो है नमी की वजह से और फिर जब मूनसून का मौसम आता है तो उसके बाद जगह जगह जो है क्योंकि हमारे पास बारिश का पानी है वो हर तरफ जो है वैसे ही मौजूद होता है, इवन कि हमारे घरों में भी हम लोग उस चीज़ से जो है ला इल्म होते हैं कि हमारे घरों में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है बारिश का पानी फिर जो है बाद में जो है मौजूद होता है। तो फिर वो आप ये बात कह रही हैं पर जो इनकी अफजाइश हो रही होती है। लेकिन सदफ़, आप जो बात कह रही हैं ये बात यकीन तौर पर सभी जानते हैं, अथॉरिटीज़ जानती हैं कि पाकिस्तान में जैसे ही मानसून सीजन अपने इख्तिताम पे आता है वहाँ से डेंगू के केसेस में एक इजाफा देखने में आता है। इस वक्त कराची की बात करें या पाकिस्तान के दीगर शहरों की बात करें, इस्लामाबाद को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो डेंगू का मर्ज़ है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कोई इसमें तफरीक नहीं है, हर कोई शख्स इससे मुतासर है, तो क्या कोई ऐसे इकदाम बर वक्त किए जाते तो शायद ये तादाद कम हो सकती थी? बिल्कुल, देखिए मैं आपसे वही बात कर रही हूँ कि जो हमारे पास मौसम और जो हमारे पास आबादी की एक डेंसिटी वाला हमारा एरिया है और जो इस तरीके के जो मुख्तलिफ इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखें अभी जो है सैलाबी सूरत हाल के बाद भी वहाँ बहुत सारी जगहों पर अभी तक हमारे पास जो है पानी मौजूद है, तो उन सब पानी में जो है मलेरिया है, डेंगू है, कौन कौन सी जो है बीमारियों की वहाँ पर अफजाइश नहीं हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसमें जो है हमारे पास डिफरेंट टाइफाइड है, जो है मुख्तलिफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज की बीमारियां हैं, साथ में जो है मलेरिया है, डेंगू है, ये सब जो है अभी तो केसेस में अभी और भी इजाफा होगा, क्योंकि देखें हम जो है रोजाना न्यूज में सुन रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है उसके गैस्ट्रो के इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।
तो ये सब जो है ना अवामिल मिलकर ही जो है डेंगू और दीगर बीमारियों का जो है सबब बन रहे हैं कि हमारी ना बेसिकली क्या होता है कि हम पहले से जो है किसी भी चीज की जो है प्लानिंग की तरफ नहीं जाते, हम पहले से जो है किसी भी चीज की रिस्क असेसमेंट नहीं कर रहे होते हैं कि भाई अगर हमें पता है कि हर साल इतने से इतने टाइम में जो है डेंगू स्प्रेड करता है और इतने सारे लोगों को जो है मुतासर कर रहा होता है, तो जो हमारे पूरे साल को हमें एक मिलता है उस चीज की बेसिकली प्लानिंग करने के लिए, उस चीज को जो है मैनेज करने के लिए। लेकिन हमारी यहाँ जो क्या कहना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली वो चीज हो नहीं पाती है। लेकिन सदफ, आप इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, जरा इस बारे में भी आगाह करें, क्योंकि जो इस वक्त इत्तलात आ रही है कि हॉस्पिटल्स में जो डेंगू के वार्ड्स है वो मुकम्मल फिल हो चुके हैं, वहां पे मजीद पेशेंट्स को रखने की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त ये भी इत्तलात है कि जो ब्लड बैंक्स हैं वहां पे ब्लड की और ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होती हुई नजर आ रही है, इसके हवाले से प्लीज अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें अगर मैं जो है स्पेशली जो है कराची की बात करूँ या मैं ओवरऑल सिंध की बात करूँ, तो हमारे पास जो है वाकई हॉस्पिटल में जो है डेंगू के केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और वहाँ पर अब बिल्कुल जो है ना बेड टू बेड लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से जो अभी जो आपने बात की के जो ब्लड बैंक के हवाले से, क्योंकि डेंगू एक में जो है मर्ज का जो है वो ये कि जो उसका वो होता है पेशेंट, उसमें जो है प्लेटलेट्स में जो है बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स में भी व्हाइट ब्लड सेल्स में भी, तो उसको फिर जो है ब्लड की अशद तरीन जरूरत होती है। तो ये हमारे यहाँ अभी जो है ये काफी जो कहना चाहिए कि एक इमरजेंसी की कैफियत, जिसमें बहुत ज्यादा लोग इससे जो है मुतासर हो रहे हैं। और सदफ ये भी बताइएगा कि ये जो डेंगू का मर्ज है ये इसमें लोग परेशान हो रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी की जा रही होती है, तो जो प्लेटलेट्स की कोई ऐसी हद है जो जिसपे कहा जाए कि मरीज को उस हद के बाद फौरन से हॉस्पिटलाइज किया जाए? देखिए इसमें जो है ना जो पहले हमें तो जो है इस बीमारी की जो है तीन चार स्टेप्स होते हैं कि अगर जैसे इसमें हर शख्स को जो है हॉस्पिटलाइज होने की जो है जरूरत नहीं होती है। शुरू इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इब्तदाई तबी इमदाद के बाद या खुद ब खुद भी जो है ये वायरल डिजीज उनमें जो है क्योर हो सकता है, फिर अगर लेकिन उसके बाद अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत हद तक डाउन हो गए, आपको बहुत ज्यादा जो है फीवर है या फिर आपको जो है बहुत ज्यादा हड्डियों में या फिर जोरों में पेन है, तो उसके बाद आपको जो है फिर जो है बाकायदा हॉस्पिटलाइज होने की या फिर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की जो है जरूरत होती है। लेकिन देखें इसमें अभी जो आपने बात की सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, बहुत से लोग इसमें जो है स्प्रीन या फिर इस तरीके की जो है मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो मजीद खून को पतला कर देती है, तो उसकी उसकी वजह से भी जो है बहुत ज्यादा कुछ कहना चाहिए कि मरीजों को जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। लेकिन इसमें हम सबको ये बात एक जहन में रखनी चाहिए कि डेंगू का हर मरीज को जो है हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं। तो कौन सा मरीज होगा सदफ, ये बताएं ना कि कौन सा ऐसा मरीज है या ऐसा कौन सा लेवल है कि उस मरीज का जो लेवल अगर अचीव हो जाए या वहां तक कोई मरीज उस हद तक पहुंच जाए तो फिर उसको बिल्कुल भी देर किए बगैर हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। गालिबन अगर मैं जो देख रहा था जो हमने मालूम किया तो जो प्लेटलेट्स की जब तादाद 50 to 60,000 की रेंज में आ जाए तो फिर कहा जाता है कि किसी भी किस्म की देर किए बगैर मरीज को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, ये कहां तक दुरुस्त होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे आपके जो है प्लेटलेट्स हमारे पास जो है समझ में तकरीबन जो है अगर आपकी जो है लाखों से तादाद, क्योंकि जैसे 1,50,000 तक आपके पास अगर बॉडी में आपके जो है प्लेटलेट्स मौजूद है, तो अगर आपके प्लेटलेट्स लाखों से जब हजारों में आ जाते हैं कि कुछ मरीजों के जो है बहुत ज्यादा 40,000-20,000 तक हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको जो है यानी कि जो है घर में मैंने अभी कुछ मरीजों को बाकायदा ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और जो ऑब्जर्वेशन भी है मेरी कि बहुत ज्यादा जो है प्लेटलेट्स होने के बाद या बहुत ज्यादा हाई फीवर होने के बाद फिर वो जो है मरीज को घर में लेकर उन्होंने रखा हुआ होता है और सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं जो वो जानलेवा साबित हो सकता है अगर आप देख रहे हैं कि मरीज को बहुत तेज या उसके जो प्लेटलेट। लेकिन इसमें देखें इससे सबसे मेन चीज ये कि आपकी डायग्नोसिस जी आजकल जो है मलेरिया और डेंगू, मलेरिया के भी साइन एंड सिम्टम्स जो है तकरीबन डेंगू जैसे ही होते हैं, लेकिन जब आपकी इसमें जो है जब आप देखें कि इसमें किसी मरीज को जो है बहुत से फीवर हुआ हुआ है नजला खांसी या फिर उसको जो है बॉडी पेन है, तो सबसे पहले आप उसका डायग्नोसिस की तरफ जाएं, इसमें जो है मरीज का
डेंगी एनएच1 एंटीजन का टेस्ट होता है या फिर थ्रू पीसीआर आई गेस सदफ आपके साथ आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, अगर हम रीकनेक्ट कर सकें डॉक्टर सदफ साहब को तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल इशू है इस वक्त। काफी सारे लोग जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं या तो वो खुद या उनके प्यारे इस वक्त डेंगू में मुब्तला है, और डेंगू का जो मर्ज है बहुत तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। याद रहे जो एहतियाती तदाबीर इस वक्त बताई जा रही हैं उसको आपने बहुत गौर से सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है। किसी किस्म का कहीं भी जो साफ पानी है उसको आपने ओपन नहीं छोड़ना कि वहाँ पर डेंगू का मच्छर वहाँ पर अफजाइश पा सके, और साथ में आपने अपने घरों की और जो खिड़कियों को बिल्कुल इस तरीके से पैक रखना है कि वहाँ से मच्छरों की जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो रोका जा सके। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का आपको भरपूर इस्तेमाल करना है ताकि आप किसी भी इस किस्म के हादसे से बच सकें, क्योंकि एक बाइट जो डेंगू मॉस्किटो का है वो यकीनी तौर पे आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है, चाहे वो डेथ तक ना मामलात को लेके जाए लेकिन कुछ अरसे के लिए ये जो मर्ज है आपके लिए बड़ा ही जानलेवा साबित हो सकता है। अगर तो डॉक्टर सदफ हमसे कनेक्ट कर चुके हैं तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। जी सदफ, क्या आप हमें सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल जी। तो सदफ आप कुछ फरमा रही थी, और जरा ये भी बताइएगा कि इस मर्ज में आमतौर पर लोग डाइट अपनी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो जाती है, डाइट नहीं कंज्यूम कर पाते, जूसेस का इंटेक बढ़ जाता है, फिर वो जूसेस मार्केट में जो पैकेट जूसेस होते हैं उसकी तरफ लोगों का रुझान होता है, तो क्या ऐसा अमल किया जाए ताकि एक न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बरकरार रहे और लोग इस हवाले से रिकवर होते हुए नजर आए? जी सबसे पहले तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे डेंगू की जो है अलामात के हवाले से ना, कि डेंगू के बेसिकली जो है इसकी जो है अलामात के दो तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अगर किसी शख्स को जो है डेंगू के वायरस ने जो है जो हमारे एडीज एजिप्टाई होता है उसने अगर उसको बाइट किया है तो चार से छह दिन में जो उसकी जो इनिशियल फाइनल सिम्टम्स होते हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये कि जो है मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इन सब के जो इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल जो है सिमिलर होते हैं, जिसमें पेशेंट को जो है तेज बुखार या फिर सीवियर हेडेक, मसल्स में जो है बहुत तेज पेन शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखें जो मसल्स का पेन है वो डेंगू के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है, जिसकी वजह से जो है हम डेंगू को जो है ब्रेव बोन फीवर भी कहते हैं, कि जो हड्डियों को तोड़ने वाला बुखार होता है ये। उसके बाद जो है ना फिर अक्सर पेशेंट में ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो उनकी इनिशियल स्टेज में ही वो क्योर हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर उनका मर्ज शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो फिर उनको जो है आगे जाकर डेंगू। डॉक्टर साहब ये बताएं ना कि ये मर्ज स्टेबल हो चुका है, जो शिकायत हो जाती। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो मर्ज है स्टेबल हो चुका है, इसका तयन कैसे किया जा सकता है? देखिए स्टेबल हो चुका है तो जो मर्ज के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और फिर डॉक्टर इसको जो है चेकअप करने के लिए मरीज का घाय बगाए फ्रिक्वेंटली उनका जो है सीबीसी का टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट का उनका टेस्ट किया जाता है, जिसमें फिर देखा जाता है कि उनके प्लेटलेट्स हैं या उनके वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अब स्टेबल हो गए। तो जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो मींस आपका पेशेंट जो है वो क्योर की तरफ है। उसके बाद आपका जो है डेंगू आईजीजी का भी जो है टेस्ट किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि जो आपका डेंगू था उसके जो आपके उस वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी में जो है एंटीजन डेवलप हो चुके हैं। लेकिन देखिए इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेंगू के जो है चार किस्म के जो है वायरसेस जो है मौजूद होते हैं, जैसे हम डेंगू 1, 2, 3, 4 के जो है नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी इंसान को लाइफ में डेंगू 1 ने अगर बाइट करके वो अगर उससे इन्फेक्टेड हो चुका है तो वो लाइफ टाइम के लिए उस वाले वायरस से तो इम्यून हो जाता है, लेकिन वो जो तीन डेंगू के वायरसेस अलग से मौजूद हैं वो फिर उसके बाद उसको जो है लाइफ में कभी भी जब वो उसको बाइट करेंगे तो वो दोबारा से जो है उस इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। और स्पेशली जिन लोगों का इम्यून सिस्टम लो होता है वो लोग फिर ज्यादा जो है ज्यादा शिद्दत से जो है इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर डाइट की तरफ आ सके ताकि हमें ये पता चल सके कि ऐसे पेशेंट्स को डाइट क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, और साथ में अगर मैं ये ऐड कर दूं कि जब पाकिस्तान में आमतौर पर रुझान है कि जो लोग डेंगू के मर्ज में मुब्तला होते हैं वो पपीते के जो पत्ते हैं उनका अर्क निकाल के पी रहे होते हैं, उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिस भी कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसको भी प्लीज बताइएगा। नहीं देखें सबसे पहली बात तो ये कि डाइट के हवाले से, क्योंकि देखें अभी तक इसमें हमें बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि आपका फ्लूड इनटेक आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है
जूसेस की, पानी की जो है जरूरत होती है। एक तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करने के लिए, और फिर इसमें जो है आपके जो है जब आपके प्लेटलेट्स या फिर WBCs डाउन हो जाते हैं, तो अगर स्पेशली ऐसे मरीज जिनको जो है हेमरेजिक फीवर हो गया है या उनके जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको जो है बहुत ज्यादा जो है फ्लूड इनटेक की जरूरत होती है। तो इसमें आपके पास जूसेस हैं फ्रेश या फिर ऐसी हेल्दी डाइट है, क्योंकि इसका बेसिकली डेंगू का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो इसमें जो आपकी बेसिक ट्रीटमेंट होती है वो यही है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि जो है इसमें इंसान के खुद के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें जो है ना आपकी, जैसे हमारे पास COVID-19 में था, COVID-19 की जो है बेसिकली हमारे पास कोई मेडिसिन मौजूद नहीं थी, लेकिन उसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए मुख्तलिफ इकसाम की जो है मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। जी जी जी। अब जैसे कि आपने बात की कि पपीते के पत्तों के हवाले से, देखें तो इसकी अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च सामने नहीं आई है। और इसमें जहाँ तक ये बात है कि जो पपीते के पत्ते जो है ना लोग इस्तेमाल करते हैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब यानी उनका मर्ज क्योर होने लगता है, तो फिर लोगों के जहन में ये एक मिसकंसेप्शन वाली बात होती है कि भाई शायद हम जो लेकिन अब मार्केट में सवारी से काफी सारी दवाइयां भी मिल रही हैं, अद्वियात भी मिल रहे हैं डॉक्टर साहब, कि वो आमतौर पर अद्वियात हमें पहले नजर नहीं आती थी, अब तो बाकायदा इस तरीके की अद्वियात नजर आ रही है जो इस बात को क्लेम करती है कि इसमें पपाया लीव एक्सट्रैक्ट है तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। नहीं नहीं, देखें क्योंकि अभी तक डेंगू का बेसिकली इस तरीके का कोई इलाज सामने नहीं आया, तो जैसे बस आपकी जो डाइट है उसके हवाले से आप कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपका डॉक्टर आपको जो है कोई भी पेन किलर जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन इसमें बिल्कुल आपको जो है सेल्फ मेडिकेशन की परमिशन नहीं है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि डेंगू एक ऐसा मर्ज है कि अगर आपका इसमें जो है आपका क्या कहना चाहिए कोई और, अगर इसमें आपको सबसाइडेड कोई और डिजीज हो गई, या अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन की और वो दवाई का आपका जो है कोई और असर हो गया, तो वो फिर जो है आपके आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो जो डेंगू का इलाज है उसमें ये कि मरीज को ज्यादा से ज्यादा आराम करना है, हेल्दी और सेहतमंद टाइम पीरियड इसमें दरकार होता है। अगर किसी शख्स को डेंगू हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए कितना टाइम होता है? 7 days इज इट एनफ? Yes, 7 to 14 days का टाइम लग सकता है। 7 to 10 days में वो जो उसकी जो इनिशियल अलामत होती हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि फीवर है, बॉडी पेन है, वो सब क्योर होना शुरू हो जाते हैं, अंटिल एंड अनलेस के पेशेंट को जो है फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। और फर्दर जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो है ज्यादातर हमारे पास जैसे बुजुर्ग अफराद होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें जो है ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों में जो है इसमें वो अब जो है इसके कहना चाहिए कि डेंगू के इनिशियल फेसेस में ही क्योर हो जाते हैं, उनको जो है हॉस्पिटलाइज होने की जो है जरूरत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार साहब, आपने यकीन तौर पर डेंगू के हवाले से बड़ी जामे गुफ्तगु की और मालूमात जो आपने दी वो लोगों तक पहुंची, और उम्मीद करते हैं कि जो डेंगू का मर्ज इस वक्त बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है इस हवाले से बरवक्त इकदाम उठाए जाएंगे। और मैं क्या ही इस बात का गिला करूं कि किसी एक हुकूमत से इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर शहरों में डेंगू का जो मर्ज है बेकाबू नजर आ रहा है। खासतौर पर मैं बात करूँ कराची की, तो कराची और कराची के मलेका इलाके हैं वहाँ पर जो डेंगू के केसेस की रिपोर्ट होने की शरह है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। याद रहे ये एक डेंगू का मर्ज जो 2022 में, जिसमें अगर हम पूरे चार्ट को देखें तो अगस्त के मंथ से इसमें एक एग्रेसिव इंटेंट नजर आई और साथ में नजर आया कि ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तेजी से ग्रेजुअली अपवर्ड मूवमेंट इसमें नजर देखी जा रही थी, लेकिन इसके बाद ये तेज हुई, इसमें शिद्दत आई और जैसे जैसे हर गुजरता दिन हर गुजरता हफ्ता इसमें बढ़ता गया, इसमें इजाफा होता गया, जो इसकी परसेंटेज थी वो इंक्रीज होती चली गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बात इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि शायद हमारे मौजूदा जो सियासी हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान में जो बॉडीज काम कर रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस वक्त जब मानसून सिस्टम रुखसत हो चुका, जब मानसून की बारिशें जा चुकी और कराची में बिल्कुल हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 15-17 दिन से कोई ऐसी बारिश की सूरत हाल नहीं है, तो फिर ये स्प्रे का जो अमल है इसको शुरू कर दिया जाता और ये स्प्रे अमल अगर हो जाता तो ना जाने शायद ये डेंगू का जो मौजूदा सिस्टम है, जो एक वबा नजर आ रही है डेंगू की, ये शायद ना होती और शायद बहुत से प्यारे इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स में ना होते, मुश्किलात में ना होते, और आज भी बहुत से लोग शायद जो इस डेंगू की
मौजूदा सूरतहाल की वजह से अपनी जाने गवा बैठे हैं, शायद हमारे दरमियान मौजूद होते। कोशिश कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट से भी हमें कोई नुमाइंदा ज्वाइन कर सके और हम बात कर सकें कि कराची में और सिंध के दीगर इलाकों में क्यों अभी तक ये जो काम है ये क्यों नहीं शुरू किया जा सका कि डेंगू के हवाले से स्प्रे किया जाए, इस तरह की मुहिम चलाई जाए और इस तरह से लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि ये जो इस मर्ज से जल्द अज जल्द छुटकारा पाया जा सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।